दोस्तों, दिल्ली के प्रगति मैदान में लग चुका है वर्ल्ड बुक फेयर, जिसकी टिकट सिर्फ 20 रुपये है। इस बार इस बुक फेयर की थीम मल्टीलिंगुअल इंडिया है। इस थीम के जरिए रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बुक फेयर 11 फरवरी से 18 फरवरी तक चलेगा और गेस्ट कंट्री इस बार सऊदी अरब है। तो आइए देखते हैं कि इस बार यहाँ कौन कौन से बुक्स हैं। बुक फेयर हॉल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में हो रहा है। सबसे पहले हॉल नंबर 1 में चलते हैं। अभी मैं हॉल नंबर 1 में हूँ। मुझे यहाँ एक किताब नज़र आई जिस पर लिखा है कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले रहस्य है। इस स्टॉल पर कृष्ण के कई किताबें हैं। इस स्टॉल में जैन समाज से जुड़ी कई किताबें नजर आएंगी। प्रेमचंद की फेमस नॉवल गोदान और निर्मला को एक बार जरूर देखें। ये महाभारत गोवर्धन लीला है 212। यहाँ कई राज्यों की किताबें हैं। अभी मैं हरियाणा के स्टॉल पर आया हूँ। यहाँ आपको हरियाणा के इतिहास से लेकर आज के समय की घटनाओं के बारे में किताबें नजर आएंगी। यहाँ हरियाणा के चुटकुले की किताबें भी हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के बुक स्टॉल पर। वहाँ तो पता रहता है, वहाँ तो पता रहता है, वहाँ किताब हड्डी है नहीं। इतना बड़ा हाल है, इतनी बड़ी किताबें लगी, लेकिन एक एक किताब सबको सब अलग अलग अच्छी लगी, सबको याद ये है वाणी प्रकाशन का स्टॉल, जहां आप सिनेमा, शायरी, भारत का इतिहास और दलितों के ऊपर लिखे किताबें देख सकते हैं। वाणी प्रकाशन में आपको मुगलों की किताबें भी नजर आएंगी। आपने इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी देखी होगी, लेकिन इस बुक फेयर में आपको हिंदी मलयालम, हिंदी मिजो, हिंदी गुजराती और हिंदी बांग्ला जैसे भारत के दूसरे भाषाओं में डिक्शनरी दिखाई देंगे।
Who's comfort? गार्डन मिल जाएगा तो मालूम चल जाएगा झेलम का युद्ध महाराणा कुंभा उसके बेस में सब लोगों ने लिखी चल रही है। ये आप जितनी भी किताबें हैं ना सारी रिसर्च वाली है, कोई आपको ऐसी किताब नहीं मिलेगी जो बिना रिसर्च की होगी, सारी रिसर्च है। और यहाँ पे ना जितनी भी किताबें ना कहीं और नहीं मिलेगी, इसमें आपको मेवाड़ के जो सिक्के हैं ना उसकी जानकारी मिलेगी और ये देखिए प्राचीन कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक संस्कृति। ये है किराडू मंदिर जिस पर मैंने वीडियो बनाया था और ये मंदिर अभी भी एक रहस्य है। शायद इसमें कोई जानकारी मिल जाए कि ये मंदिर कब बना था, किसने बनवाया, बनाने की जो शाप है क्या वो सच में या ऐसी कोई अफवाह फैली हुई है। किराडू मंदिर समूह की स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला। अभी मैं बच्चों वाले सेक्शन में आया हूँ और यहाँ पे आप देखोगे ना तो बच्चों की यहाँ पे ना कई सारी किताबें हैं जैसे कि तेनालीरामन, अकबर बीरबल, एसो फेबल्स, विश्व प्रसिद्ध ग्रेट क्लासिक्स, बालकों की श्रेष्ठ कहानियाँ, परी कथाएँ, ये सब की कहानियाँ। और ये देखिए रामायण भी यहाँ पे। और एक चीज़ सबसे फेमस कहानी सिंड्रेला। पनीर से हुई परेशानी, वाओ। मॉन्स्टर स्टोरीज 170 की है वाली। ये देखिए विक्रम बेताल की रहस्यमय कहानियाँ, जाता कथाएं, दैत्यों की रहस्यमय कहानियाँ, श्री कृष्ण लीला। जितनी भी सारी आप किताबें देख रहे हो ना सारी ओरिया में लिखी गई है। आपका वैसे लैंग्वेज तो समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है, मेरे को भी नहीं आ रहा, लेकिन सारी ओरिया में है। मैं अभी ओरिया डिपार्टमेंट में हूँ। वो है कहाँ रहते हैं? हम अभी तो फरीदाबाद, फरीदाबाद में रहते हैं। फरीदाबाद में आप दिल्ली रहे ना, फरीदाबाद में तो किसी डिसाइपल किसी डिवोटी का है। नहीं 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 आई 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 है 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 वाली वाली भी ये जितनी लग रही ना यहाँ देखो ये ऊपर ये सारी नहीं है, ये सारी ये लाइन। इतिहास मुझे सही साबित करेगा। फिदेल कास्त्रो।
कई तो है मेरे पास है। कार्ल मार्क्स, जिसकी आपने किताबें ही पढ़ी होगी इतिहास में। हो ची मिन, सन 77 की रूसी क्रांति, रात में चहलकदमी, आज की अफ्रीकी कहानियाँ, अभी दोस्तों मैं मराठी सेक्शन में हूँ और यहाँ आपको ना मराठी की ना सारी किताबें मिलेंगी। ये मराठी की ना एक अनोखी किताब है, कभी आपने स्टोन पे देखा हुआ कुछ लिखा हुआ ये उसके ऊपर है। जैसा आप इस पर जैसे किताबें ना कुछ ऐसे डायग्राम्स बने यानी चित्र बने हैं, ये उसके ऊपर लिखी गई है किताब। और इन्होंने लिखा है सतीश ललित। अभी दोस्तों मैं बांग्ला सेक्शन में आया हूँ और यहाँ पे आपको ना बांग्ला की किताबें मिलेंगी। द जुरासिक वर्ल्ड, ये वैसे इंग्लिश में आप देखोगे ना तो बांग्ला में भी है। ये देखो सामने ये है रॉक आर्ट, जो रॉक पे लिखे होते हैं ना, जो चित्र बने होते हैं उसमें इसमें जानकारी है, जैसे कि कोई चित्र बना या इमेज या किसी जानवर की, तो इतिहासकार उसको पढ़ते हैं और उसकी मतलब व्याख्या करते हैं। राजनीति की लोक संस्कृति, ये काफी अलग है। मिस्टिक ऑफ अ माउंटेन किंगडम, वैसे मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। आप अगर इसका मास्क देखोगे ना, काफी मतलब अजीब सा, ये मतलब डरावना सा। किंग सोलोमन्स माइंस, ट्रेजर आइलैंड, थ्री मस्केट, द लिटिल मरमेड, ये दिल्ली की ऐसी किताब है ना, इसमें आपको सारे मॉन्यूमेंट्स, जितने भी ऐतिहासिक जगह है ना, सारी जानकारी मिल जाएगी इसमें। भारतीय संस्कृति, आइकॉनिक हेरिटेज बनारस, इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी बनारस के बारे में, उसके मंदिर, उसके घाटों के बारे में।
अब मैं आ गया हूँ ऐसे स्टॉल पर जहाँ आपको किताबें आधे कीमत से भी कम दाम पर मिल जाएंगी। यहाँ हॉलीवुड की मूवी से लेकर वेब सीरीज की किताबें नज़र आएंगी। चलिए आपको दिखाता हूँ कि यहाँ कौन कौन सी किताबें हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो तो उसकी भी किताबें आपको मिल जाएंगी। हमने एक साथ ही पढ़ने का सोचा था, पहले वो पढ़े वो खत्म करेंगे पढ़ने के बाद उनको ये आर्टिकल पढ़ेंगे। अगर आप रशिया के इतिहास में रुचि रखते हैं तो उसकी किताबें भी यहाँ पर हैं। आपको याद होगा कि नेटफ्लिक्स पर द विचर नाम से वेब सीरीज आई थी, उस वेब सीरीज की भी यहाँ पर बुक है। अमेज़ॉन पर व्हील ऑफ टाइम वेब सीरीज आई थी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, उसकी भी यहाँ पर बुक है। वर्ल्ड फेमस वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की भी बुक मिल जाएगी। अगर आपको किसी की बायोग्राफी पढ़ना पसंद है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो।
शूद्र कौन थे, हर बच्चा है खास। या आपको पोकेमॉन के भी कॉमिक्स नजर आएंगे। जैसे ही आप हॉल से बाहर आएंगे तो कलरफुल फाउंटेन देखने को मिलेगा। एनीमे के शौकीन लोगों के लिए या उनके मनपसंद किताबें जैसे कि ड्रैगन बॉल जी, वन पीस और नारुतो। जैसे ही आप हॉल से बाहर आएंगे तो कलरफुल फाउंटेन देखने को मिलेगा। आप इस बुक फेयर में एक बार ज़रूर आएं।